आने वाले समय में वर्ल्ड वार 3 पानी के लिए नहीं बगैर अनाज के लिए होगा। क्यों? क्योंकि अनाज संकट आज के डेट में दुनिया की इतनी बड़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है कि जिसका कोई हद नहीं है। ये आप ये स्वयं सोच के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम पे रोटी और दाल इनकी कीमत कितना ज़्यादा हो सकता है। इसका सबसे जीता जागता सा उदाहरण है कि आप जहाँ पहले खाली जगह पाते रहे होंगे, आज वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें खड़ी हो रही हैं। आने वाले टाइम पे लगभग नहीं तो 70% ज़मीन ख़त्म हो चुका रहेगा खेती के लिए, तो खेती होगी कैसे? क्योंकि आज से लगभग 2050 तक इंसान की आबादी 1000 करोड़ हो जाएगी, और जब 1000 करोड़ हो जाएगी तो पिछले जितना की पहले 17-19 तक जितना खाद्य की ज़रूरत थी उससे लगभग 70% खाद्य की ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी। खेती रहेगा नहीं, ज़मीन ख़त्म हो चुकेगा, लगभग 1/3 ज़मीन ख़त्म हो जाएगा, और अनाज की ज़रूरत जो है वो लगभग 8000 गुना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, और वो कैसे पूर्ति होगी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूँ आपका प्लस 24/7 में। आने वाले समय में सबसे बड़ा जो संकट होगा वो खाद्य संकट होगा। आने वाले टाइम पे रोटी और दाल ये ऐसी चीज़ें हो जाएगी, ऐसी दुर्लभ वस्तु हो जाएगी कि जो दो टाइम की बात तो छोड़िए, एक टाइम भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल में दिखाएं कि देखो रोटी इस तरह से गोल हुआ करता था और दाल जो हुआ करती थी उसकी 5 से 6 किस्में हुआ करती थी। हो सकता है ये संभावना भी हो जाए कि ये रोटी और दाल जितने भी अनाज हैं इनका एक प्रॉपर म्यूजियम बने जिनमें लोगों को दिखाया जाए कि इस तरह से अनाज हुआ करता था। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि आप स्वयं देख सकते हैं, जहां आप पहले जाया करते रहे वहां पहले एक जहां खाली जगह रहा करता था, अब आज वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें हो गई हैं। तो ये जो है एक्सपेक्टेड वर्ल्ड वार 3, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड काउंट रिपोर्ट जो अपना रिपोर्ट जारी किया है उसमें ये बोला है कि पॉपुलेशन लगभग 1000 करोड़ हो जाएगी आने वाले 2050 तक। दुनिया की पॉपुलेशन 1000 करोड़, 2017 से 2050 के बीच फूड का डिमांड 70% बन जाएगा। 70% लोगों की खाने की ज़रूरत ज़्यादा होगी। लगभग 7500 करोड़ टन सॉयल डिस्ट्रॉय, लगभग 7500 करोड़ टन की मिट्टी बर्बाद हो रही है हर साल। अब आप पूछेंगे ये कैसे बर्बाद हो रही है भाई, सबसे ज़्यादा किसका आप उपयोग कर रहे हैं? फर्स्ट तो लैंड की लगातार हो रही कमी, दूसरी क्या है कि आप उसमें जितने भी प्रकार के क्या खाद्य का उपयोग करते हैं उससे क्या हो रही है, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता न हो बढ़ रही है, वो धीरे धीरे ज़मीन ख़त्म हो रहा, मिट्टी ख़त्म हो रहा, वो उपज के लायक बचेगा ही नहीं। 40 साल आने वाले 40 साल में, यानी कि लगभग 2020-22 से आप लगा लीजिए कि जाकर 2020 से यदि आप काउंट करते हैं 2050-60 तक 1/3 ज़मीन ख़त्म हो चुकेगा। दुनिया की 1/3 ज़मीन ख़त्म हो चुकेगी। 2025 तक ऐसा संकट आएगा कि इंसान को जीवित रहने के लिए 2 पृथ्वी की आवश्यकता होगी। 2 पृथ्वी हो जिसमें एक में खेती हो, एक में इंसान रहे। क्यों? क्योंकि इंसान की पॉपुलेशन 1000 करोड़, तो खाना भी तो लगेगा उतना। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 2017 तक जितना खाने की आवश्यकता आज शुरू से लेकर के 2017 तक था उतना उससे कहीं 8000 गुना ज़्यादा खाने की आवश्यकता, अनाज की आवश्यकता 2050 तक हो जाएगी। और ये कैसे पूर्ति होगा? आने वाले टाइम पे यदि मंगल ग्रह की खोज नहीं की गई, मंगल ग्रह में यदि पानी और जीवन का संभावना नहीं पाया गया, तो पृथ्वी पर इंसान को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे आने वाले 2050 तो छोड़िए, 2030 की बात करिए। यहाँ आने वाले टाइम 2030, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वर्ल्ड काउंट रिपोर्ट के मुताबिक राइस की कीमत 130% बढ़ जाएगी। 100% दैट मीन्स 2 गुना, 130 यानी सीधे सीधे आप कर सकते हैं 2.5 से 3 गुना। यदि 100 रुपये की चावल मिल रही है, 100 रुपये किलो है,
तो वो जा करके आपको 250 से 300 रुपये किलो चावल मिलेगी। पल्स की कीमत 200 गुना हो जाएगी, यानी सीधे आप 4 गुना लगा सकते हैं, 200%। यानी यदि 100 रुपये में पल्स दाल मिल रहा है तो वो जा करके आपको 400 रुपये किलो मिलेगी। इसका जीता जागता उदाहरण आप आज भी देख सकते हैं, 2010 में क्या रेट था और 2022 में क्या रेट चल रहा है, इससे भी आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि रेट कितना इंक्रीज होगा। कारण है चूँकि डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगा, और जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिक इनकी रेट बढ़ जाएगी। यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें 93 करोड़ 10 लाख टन, लगभग 93 करोड़ 10 लाख टन जो अनाज होता है वो हर साल बर्बाद होता है, जिसमें ये काउंट डाउन हुआ है, ये काउंट किया गया 2019 में। 2019 में 93 करोड़ 10 लाख टन अनाज बर्बाद हुआ है, जिसमें बात करें अकेले यदि भारत की तो 6 करोड़ 87 लाख टन अकेले भारत में अनाज बर्बाद हुआ है। फिर एक व्यक्ति लगभग एक वर्ष में 121 किलो खाना स्वयं नष्ट करता है, वो चाहे किसी भी माध्यम से करे, चाहे वो अपना जूठा खाना छोड़ दे, चाहे होटल में खाना छोड़ दे, चाहे फूड डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट वाले खाना छोड़ दें, इस तरह करके एक व्यक्ति लगभग एवरेज में 121 किलो खाना एक वर्ष में ख़त्म करता है। यही रिपोर्ट यदि अमेरिका की देखा जाए तो 69 kg हर व्यक्ति ख़त्म कर रहा है, जो क्या कर रहा है, जूठा छोड़ रहा है या किसी भी तरह से जो किसी के उपयोग के लिए नहीं रहेगा उस तरह से ख़त्म कर रहा है। इंडिया में देखा जाए तो 50 kg, लगभग 50 किलो खाना, आधा क्विंटल ख़त्म हो रही है एक वर्ष में, फालतू में इन्वेस्ट, फालतू में वेस्ट हो रहा है। यदि चाइना की बात करें तो 64 kg फूड जो है फालतू में वेस्ट होता है, पाकिस्तान में 74 kg और ब्रिटेन में जाकर 77 kg। यदि इस खाने को जो फालतू में वेस्ट हो रहा है उसको कलेक्ट किया जाए, उसको बर्बाद होने से बचाया जाए, तो बात मानिए कि एक वर्ष में 1 करोड़ टन भोजन सेफ होगा। और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि 1 करोड़ व्यक्ति भूखे सोते हैं हर दिन 1 करोड़ व्यक्ति भूखे सोते हैं, और वही 1 करोड़ व्यक्तियों का खाना जो है बड़े और अमीर लोग वेस्ट करते हैं। ये रहा आज का रिपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जागरूक बनिए। और एक विशेष जो मैं बताना चाहूँगा कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि वर्ल्ड काउंट रिपोर्ट और ये जितने भी एनालिटिक जानकारी है ना, ये आप ज़रूर लिख के रखिए। कारण क्योंकि आज के डेट में ना आपसे एग्ज़ाम में कोई भी बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक से पूछने के बगैर वो एनालिटिकल सवाल पूछ देता है, कहीं से भी पूछ देता है। आपको ना एक खोजी प्रवृत्ति का बनना पड़ेगा, आप किसी एक चीज़ में फंसे रहेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा कंपटीशन के लिए। तो आपको खोजी प्रवृत्ति का बनना पड़ेगा, ये कैसे होता है, कहाँ कितना वेस्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। और एक चीज़ और यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आप लोग, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो सब्सक्राइब करो। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।